नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्रांतिकारियों के साथ एक बधाई दोस्ती के नाम। अगर हम बहुत गौर से देखें तो हम क्रांतिकारी जो हैं घर बैठे बाहर से ही अपडेट ले रहे थे, लेकिन जो राधेश्याम जी के दोस्त थे जो अपना घर बार छोड़ करके उनके साथ दिन रात भागा दौड़ी कर रहे थे, हमें उनको नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि आज अगर क्रांतिकारियों के ऊपर गाज गिरी थी तो उसमें अगर उनके बचाव के लिए अगर कोई आया था तो वो करण जी, प्रदीप जी जो उनके साथ 24 घंटे रहते थे और पूरा टाइम जो हैदराबाद में तेलंगाना में अपना घर परिवार छोड़ करके वहां रहे और उन्होंने सारे लोगों को समझा कर बुझा करके इतनी मेहनत से जो इतना टाइम उन लोगों के साथ दिया। तो मैं अगर आज ये बात बोलूंगी कि क्रांतिकारी जो थे वो अपडेट लेते थे अपने पर्सनल रीजंस की वजह से कि हमको पैसा कब आएगा, हम राधेश्याम जी कब आएंगे ताकि हमारे पास पैसा आए। लेकिन ये जो दोस्त थे इनका ना तो फ्यूचर मेकर में कभी कोई आईडी था और ना ही इनको फ्यूचर मेकर से कुछ मिलना था। इन्होंने सिर्फ दोस्ती निभाई जो इंसानियत के ऊपर रहती है। और जहां पर अगर मैं ये कहूं कि राधेश्याम जी के घर वालों की बात करूं मैं तो राधेश्याम जी के घर वाले भी जो थे वो इस मतलब उनमें जो है वो मतलब वो टाइम पे भी एक वक्त ऐसा आया था कि वो भी इतनी भागा दौड़ी नहीं ले सकते थे, लेकिन करण जी ने और प्रदीप जी ने पूरी भागदौड़ अपने सर के ऊपर ली और जिस तरीके से उन्होंने राधेश्याम जी का साथ दिया है ये दोस्ती को सलाम। और ये सब उनकी दोस्ती का परिणाम है, उनकी मेहनत का परिणाम है। जो कभी वकीलों के पास ठोकरें खाते रहे, कभी पुलिस वालों के पास ठोकरें खाते रहे, कभी कोर्ट में ठोकरें खाते रहे, और जहां जहां राधेश्याम जी रहे वहां वहां करण जी भी साथ में रहे। तो मैं उनको स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगी और आप सभी से जो गुजारिश है कि अब थोड़ा सा आप लोग जो है तसल्ली से काम करें और अभी अपडेट्स से ज्यादा हम लोगों को संभलने की जरूरत है। क्योंकि जैसे ही हिसार से अभी हैदराबाद से केस कंप्लीट हुआ है, अभी हमको हिसार से भी उसी तरीके से काम करवाना है और पूरी तरीके से धैर्य के साथ जिस विश्वास के साथ आज हमारी जीत हुई है हम सबको उसी विश्वास के साथ आगे फ्यूचर मेकर को लेकर जाना है। और अब जो फ्यूचर मेकर जाएगी आगे उसमें हम सबको एकता के साथ काम करना है। क्योंकि जो देखा गया एकता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एकता जो थी वो सिर्फ अपडेट्स के लिए थी। और माफी चाहूंगी कि आज जो सारी चीजें जो प्रोसेस हो रहा है और जो डर हम लोगों के मन में भर गया था सारी चीजों को लेकर के, अगर ये यूनिटी हमारी एक साथ अगर हम सब एक साथ राधेश्याम जी के साथ खड़े रहते तो आज शायद इतनी बात नहीं होती थी और हम लोग एक दूसरे पे डिपेंड रहे जिसकी वजह से आज इतना डिले हुआ। लेकिन अब जैसे ही फ्यूचर मेकर आएगी तब हम जो एक मिसाल बनाएंगे वो एकता की मिसाल बनाएंगे। जय फ्यूचर मेकर, जय राधेश्याम। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि PACL और अन्य चिटफंड कंपनी से जुड़ी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे।